दोस्तों बिफोर फ्यू डेज़ वी हैव अपलोडेड टू वीडियोस रिगार्डिंग कॉमन मिस्टेक्स। सबसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं इंग्लिश को जब बोलते हैं या जब इंग्लिश लिखते हैं उस समय वो क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें लिखना है। वर्ब का बोले तो मैंने आपको टोटल 5 फॉर्म होते हैं, 6 फॉर्म होते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एक वर्ब है कम, COME, तो उसको यूज़ करने के 5-6 तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टेंस की बात कर रहे हैं और कितने लोगों की बात कर रहे हैं। आप इंसानों की बात कर रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। आप एक चीज एक आदमी की बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा आदमियों औरतों या चीज़ों की बात कर रहे हो। मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, और आपका हेल्पिंग वर्ब भी उसके हिसाब से तय होता है। बराबर, इन चीज़ों को समझने में लोग गलती कर देते हैं और इसलिए वो सब्जेक्ट वर्ब और टेंस के बीच में कोरिलेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं, और यही कोरिलेशन स्थापित नहीं कर पाने के चक्कर में हेल्पिंग वर्ब का भी गलत यूज़ कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और वन मोर वर्ड इज देयर मॉड्यूलरी वर्ब्स। तो जिनको ये समझ में आता है कि ये टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट इंसान है कि जानवर है, एक है कि दो है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, इन और टेंस कौन सा है, इन इसकी यदि पकड़ हो जाती है इंग्लिश में तो आप ये वाली गलतियां नहीं करेंगे। कौन सी गलती? वर्ब का कौन सा फॉर्म चूज करना है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा चूज करना है। वर्ब के 5-6 फॉर्म होते हैं। पहला होता है सिंपल, जैसे वर्ब कम, COME कम, तो पहला फॉर्म कम, दूसरा फॉर्म केम, तीसरा फॉर्म कम। अब चौथा और पांचवा एक्चुअली फॉर्म नहीं होते हैं, पर एक तरीका होता है बताने का, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। आप वर्ब के पहले टू लगाते हैं, टू कम, TOCUME, टू कम आना, टू गो जाना, और एक लगाते हैं आप ING, COMING। तो कोई सा भी सेंटेंस हो दुनिया में इंग्लिश का, यदि उसमें कम वर्ड का यूज़ करना है, कम वर्ब का, तो इन्हीं में से एक फॉर्म होगा, या तो कम के पहले टू आएगा, या कम आएगा, या केम आएगा, या कम आएगा, या कमिंग आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दैट आई विल टेल यू नाउ। फिर हमने उसमें बताया था आपको उस पिछले वाले वीडियो में कि इंट्रोगेटिव बनाना, मतलब प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को उस सेंटेंस में से बाहर निकाल के सबसे पहले लिख देना है, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा रहेगा आखिरी में लगाना है क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट लगाना है इमीजिएटली आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है नॉट, टू मेक नकारात्मक और निगेटिव स्टेटमेंट्स। बराबर, इस विद दिस बेसिक बैकग्राउंड, इस बेसिक फाउंडेशन के बेसिस पे अब हम चालू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स देखने का हम ट्राई करेंगे। आई हैव टोल्ड यू 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर एक के 4-4 टाइप होते हैं, तो मैं आपसे पहले बात करूंगा प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स की। प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चौथा होता है पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चारों टेंस का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग यूज है, और अलग अलग तरह अलग अलग वर्ब के फॉर्म आपको यूज करना है। पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। तो मैंने सभी के लिए 3 तरह के सब्जेक्ट लिए हैं, एक लिया है आई, एक लिया है सिंगुलर, और एक लिया है प्लूरल। जैसे ये लिखा है मैंने यहाँ पे आई मतलब मैं, दूसरा लिया सिंगुलर सब्जेक्ट ही यानी एक लड़का, एक आदमी, तो ही मतलब यहाँ पे आपको समझना है सिंगल सब्जेक्ट, एक टेबल, एक लायन, एक सिटी, एक शहर, एक चंद्रमा, एक बंगला, एक गाड़ी, एक मकान, एक राम, एक सीता, एक पायल, एक नुपुर, एक घुंघरू, एक पाँव, एक हाथ, एक कपड़ा, एक बैग, एक कंपास, एक डब्बा। सिंगल सिंगल चीज़ों के लिए रूल सेम रहेंगे, तो मैंने यहाँ पर सिंगल के लिए यूज़ किया है ही की जगह शी होगा तो भी गोज आएगा,
लायन होगा तो भी गोज आएगा, बराबर। बहुवचन यानी प्लूरल, मतलब मोर देन वन के लिए मैंने वी यूज किया है, राम एंड सीता, राम लक्ष्मण सीता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे शहर, बहुत सारे लायन, बहुत सारी कंप्यूटर, बहुत सारे कीबोर्ड्स। जब बात करेंगे मोर देन वन आइटम की, जब बात करेंगे प्लूरल की, जब बात करेंगे बहुवचन की, तब वहाँ पे गो आएगा, बराबर। तो आपको सभी टेंस में मैंने ये तीन ही एग्जांपल लिए हैं। आई, आई का अपना अलग महत्व है, तो आई के लिए रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होते हैं, कई बार वो रूल्स रेगुलेशंस मैच करते हैं प्लूरल वाले में से। प्लूरल मतलब वी एंड दे, राम एंड सीता, आकाश एंड मोहन, टेबल्स, वन टेबल एंड वन चेयर, ये हो गया प्लूरल, बहुवचन। तो जब भी ग्रुप की बात करेंगे मोर देन वन, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया वी का। तो जो रूल वी के लिए वही रूल सभी के लिए रहेंगे, प्लूरल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बहुत सारे चिड़ियाघर, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी बॉटल, बहुत सारे पलंग, बहुत सारे एलपीजी के सिलेंडर, बहुत सारे हेलमेट्स, मतलब हेलमेट्स, एलपीजी सिलेंडर्स, जूस, लायंस, एवरीथिंग, सभी प्लूरल में रूल सेम रहेंगे। तो अब ये जो बातें हैं आई, ही और वी, आई ही सिंगुलर, वी प्लूरल, ये अब मैं आपको अगले टेंस में या अगले वीडियो में बार बार नहीं बताऊंगा, क्लियर है। तो हर टेंस के लिए मैंने तीन तरह के सब्जेक्ट लिए हैं, आई, ही और वी। ही मतलब एक वचन, सिंगुलर सिंगल ऑब्जेक्ट, वो एनिमल भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। वी मैंने लिया है प्लूरल के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। तो सभी में मैंने तीन तीन एग्जांपल दिए हैं, तीन तीन सेंटेंस लिखे हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पे ए फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, एन फॉर नेगेटिव सेंटेंस, आई फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आई गो, मैं जाता हूँ, नेगेटिव आई डू नॉट गो। मैंने बताया था आपको कई सेंटेंस में जनरली इसी में ऐसा होता है सिंपल प्रेजेंट में कि आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता नहीं है, बाकी सभी टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखता है सेंटेंस में, लिखना पड़ता है। आई गो तो इसका हेल्पिंग वर्ब है डू, तो नेगेटिव क्या रहेगा, इमीजिएटली आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। एक तरीका और है, आई डू नॉट गो, डोंट लिखें, डू नॉट लिखें, एक ही बात है। इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा रहेगा, सिर्फ आपको डू सबसे पहले आके लगाना है और आखिरी में लगाना है क्वेश्चन मार्क। सो डू आई गो, दैट इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, क्या मैं जाता हूँ, खत्म, आई इज ओवर। ही की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंजेस। तो यहाँ पे डज लगाना पड़ेगा और सेंटेंस क्या रहेगा, ही गोज, और नेगेटिव के लिए ही डज नॉट गो, तो डज नॉट गोज नहीं आएगा। जैसे ही आपने डज लगाया तो गोज का ई एस डू में जाके डज बन जाता है। और क्वेश्चन मार्क के लिए रूल सेम है, इंट्रोगेटिव के लिए रूल सेम है, डज आप बाहर लगा दो, डज ही गो। सिमिलरली फॉर वी और यू और दे और ऑल प्लूरल रूल विल बी सेम, लाइक आई, वी गो, वी डू नॉट गो और वी डोंट गो और डू वी गो और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। मैंने जहाँ जहाँ पे स्टार लगाया है इस तरह का, जैसे गोस पे लगा रखा है, तो ये है आपका मेन वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब। और जहाँ मैंने ऐसे बॉक्स बनाए हैं, जैसे यहाँ मैंने बॉक्स बनाया है एम के, यहाँ पे बॉक्स बनाया है डोंट के वहाँ, तो ये जो बॉक्स है ये दिखाते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हैव में लगाया है, हैव बीन में लगाया है, तो दे आर हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब है वहाँ मैंने स्टार लगाया है, बराबर। अब बात करते हैं सिंपल, बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टाइम में हेल्पिंग वर्ब क्या थे, डू और डज। सिंपल आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रहेंगे, एम इज आर,
आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, इज़ ही गोइंग, वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मैं लगाना भूल गया हूँ, इज़ ही गोइंग के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगला आपका वी है, वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, आर वी गोइंग, बराबर। विद दिस वी फिनिश प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे तीसरे टेंस की, तीसरा मतलब प्रेजेंट टेंस का थर्ड सब टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव या फिर हैज। हैव आएगा आई के साथ और विद प्लूरल, हैज आएगा विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट लायन, लाइक दिस सिंगल सिंगल। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा गो वेंट गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, मैं चला गया हूँ या मैं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ और क्या मैं जा चुका हूँ। तो हैव आएगा और बाय डिफॉल्ट जब भी हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ही में आएगा हैज, ही हैज गॉन, ही हैज नॉट गॉन, हैज ही गॉन, बराबर। वी हैव गॉन, वी हैव नॉट गॉन, हैव वी गॉन। फोर्थ और लास्ट सब टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन गोइंग सिंस 1947, मैं 1947 से जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस 1947, मैं 1947 से नहीं जा रहा हूँ। हैव आई बीन गोइंग सिंस 1947, क्या मैं 1947 से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हैव आएगा कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब में आई एन जी आएगा और बीन आएगा, हैव बीन। सिमिलरली सिंगुलर की बात करेंगे ही की, तो ही हैज़ बीन गोइंग सिंस 1947, ही हैज़ नॉट बीन एंड हैज़ ही बीन गोइंग। रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब के इमीजिएटली बाद में नॉट लगाना है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। हेल्पिंग वर्ब हैव है, हैव के तुरंत बाद में नॉट लगाना है, आई हैव नॉट बीन। एंड टू मेक इंट्रोगेटिव, हैव को बाहर ले आओ, बाकी सेंटेंस पूरा एज सच रहेगा, एट द एंड पुट क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पे एक चीज़ अलग तरह की होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या तो वाक्य में सिंस आएगा या फॉर आएगा। सिंस कब आता है, जब समय का पॉइंट निश्चित है, जैसे मैं सुबह 8 बजे से, कब से, सुबह के 8 बजे से टाइम फिक्स है तो सिंस आएगा। मैं 1947 से, मैं मेरे बचपन से, तो सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस 1947, सिंस 2020, सिंस लास्ट, है ना, और सिंस 2 PM। तो सिंस कब आएगा, सिंस इज यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंस 10 PM और सिंस 1947। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो लिखा है, यहाँ पे सिंस के एग्जाम्पल मैंने फॉर के लाइन में लिख दिए हैं, फॉर के एग्जाम्पल मैंने सिंस के लाइन में लिख, थोड़ा उल्टा हो गया है। फॉर आता है, फॉर इज यूज विद द पीरियड ऑफ टाइम, जबकि स्पेसिफिक नहीं। जैसे फॉर 5 आवर्स 20 ईयर, मैं 20 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। 20 साल कौन से कन्फर्म नहीं होता है ना, ईयर कन्फर्म होता है कि मैं 1957 से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे कौन से, दे आर नॉट फिक्स, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या आएगा, सिंस 2 PM, 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, बराबर। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड 4 सब टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसमें जहाँ जहाँ मैंने स्क्वेयर का चिन्ह बनाया है वो है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू और डज, जैसे कि एम इज आर, जैसे कि हैव और हैज, जैसे कि हैव बीन और हैज बीन। मैंने जहाँ एरो बताया है वहाँ बताने का ट्राई किया है कि उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर निकाल लो टू मेक इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाने के लिए, बराबर। और जहाँ मैंने स्टार लगाया है वहाँ पे मैंने बताने का ट्राई किया है कि ये मेन वर्ब है, गो, गोज, गोइंग, बराबर। विद दिस वी कंक्लूड 4 सब टाइप्स ऑफ सिंपल टेंस। थैंक यू वेरी मच।